हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मॉडल सेट 3 मैं अपने इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ। जीएस का जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और रेलवेज, ये सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार दरोगा हुआ, ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेट तैयार किया हुआ है और आई होप आप अच्छे से इंजॉय करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर एक है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश और डी राजस्थान एवं तमिलनाडु। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, ठीक है? तो ये राजस्थान आंध्र प्रदेश में हुआ था 1959 में, 1959 में लागू हुआ था, ठीक है सर्वप्रथम। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। क्वेश्चन नंबर दो है कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, एक सेरेमनी होता है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये होता है आपको 29 जनवरी को। कौन से? तो 29 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए ये प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का यह प्रतीक है। 26 जनवरी जैसे मन जाता है, 26 जनवरी उसके बाद से 29 जनवरी को होता है और ये प्रतीक दिलाता है गणतंत्र दिवस का कि उस तारीख यानी 29 तारीख को गणतंत्र दिवस समाप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ए मार्टिमर डुरंड, बी जॉर्ज एवरेस्ट, सी जेम्स प्रिंसेप और डी जेम्स रैनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1767 में और बंगाल का सर्वेयर जनरल किया गया था जेम्स रैनर को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर चार, मॉकडिंग यानी, ठीक है, मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी टेनिस और डी क्रिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनकडिंग। ये आपका रिलेटेड है क्रिकेट से, इसका मतलब ये होता है कि जब नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को रन आउट करने की क्रिया की जाती है, यानी रन आउट करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं मैनकडिंग, ठीक है दोस्तों? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं पाँच। पाँच है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, ठीक है ये ईस्वी भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन है, 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए जेम्स प्रिंसेप, बी जेम्स रैनल, सी दयाराम सानी और डी मार्टिमर डुरंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप ने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर छः है इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है, हर्षवर्धन की रचना नहीं है, ठीक है? देखिए ये दोस्तों इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, कौन सी रचना हर्षवर्धन की है और नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स इसको ध्यान में नहीं देते हैं और आंसर कर देते हैं जो गलत हो जाता है, ठीक है? तो इसको हम ध्यान में रख के फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये हो जाएगा हर्षचरित, बी है नागानंद, सी रत्नावली और डी दर्शिका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि हर्षचरित। हर्षचरित किसका है? तो बाण भट्ट का है, ठीक है? बाण भट्ट, बाण भट्ट का हर्षचरित है और नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन है हैलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए ये नया में है, अंडमान निकोबार में जो द्वीप है उसी का नाम बदल कर रखा गया है। हैलॉक द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है? यह है शहीद द्वीप, विश्वराज द्वीप, सी APJ कलाम द्वीप, डी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वराज द्वीप, ठीक है? ये द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 57 किलोमीटर दूर है ये द्वीप, ठीक है? और किस दिशा में? वहाँ से
पूर्वोत्तर दिशा में है, तो पोर्ट ब्लेयर से, ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर। ये क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि अंडमान निकोबार और द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? देखिए, मूल कर्तव्य की यहाँ पे बात कर रहा है, मूल एक अधिकार होता है और मूल कर्तव्य अलग अलग है, तो मूल कर्तव्य किस सिफारिश पर जोड़ा गया है ये देखना है। तो ए है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बी है नरसिंहम समिति, सी महालनोबिस समिति और डी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब, ये 1976 ईस्वी में, ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये सरदार जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो रिपोर्ट आया, तो ये क्या कौन सा 42वें संविधान सुनो 1976 में, ठीक है, द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसमें मूल कर्तव्य की बात कही गई थी, ठीक है, और इसको संविधान के भाग 4A, ठीक है, संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है तथा 51 क, ठीक है। देखिए, भाग 4A और 51 क दो में जोड़ा गया है, ठीक है, और मूल रूप से कितने कर्तव्य थे, मूल रूप में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे, तो 10 ड्यूटी से, ठीक है दोस्तों। और अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, वर्तमान में आपके हो गए हैं 11, ठीक है, चलिए और आगे आएगा इसके बारे में और भी है, तो आगे हम आगे और बताएंगे जैसे जैसे आते जाएगा डीप में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, सीडबी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन में, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बी एस सनराइज इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सुगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और डी एस सॉफ्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सीडबी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में, मुख्यालय लखनऊ, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल, ठीक है, 2 अप्रैल 1990 को, 1990, 2 अप्रैल 1990 को सीडबी की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? देखिए, यहाँ पे नहीं है, बायोमास है और बायोमास नहीं है, ठीक है, ए तापीय ऊर्जा, बी जल विद्युत ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी भूतापीय ऊर्जा। देखिए, इसमें तीन नाम आपको जो लगता है रिन्यूअल एनर्जी का, तापीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, और ये जो बायोमास का नहीं है वो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, तो यानी कि इसका आंसर 10वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नहीं पूछ रहा ना कि बायोमास ऊर्जा नहीं है, तो बायोमास ऊर्जा नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा रिन्यूअल एनर्जी में नहीं आता है, नवीकरणीय ऊर्जा में नहीं आता है, ठीक है, परंपरागत में आता है। तो ये हो जाएगा 10 का आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? ए है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी डॉक्टर अरुण कृष्णन और डी डॉक्टर अमृता पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत क्रांति। देखिए, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और ये श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, और ये श्वेत क्रांति की ही दिन है कि आज भारत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है, यानी कि विश्व में प्रथम स्थान, ठीक है, यानी अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए 1442, बी 1495,
सी 1496 और डी 1498। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1498 में। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, केरल के कालीकट तट पे आया था, ठीक है। ये 90 दिनों का समुद्री यात्रा करके, ठीक है, 90 दिनों का समुद्री यात्रा किया। और देखिए ये जो इसके पथ, तो एक व्यक्ति था अब्दुल मनिक, ठीक है, अब्दुल मनिक व्यक्ति था, ये था गुजरात का, गुजरात अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में ये कालीकट पहुंचा वास्को डी गामा, ठीक है। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, अब्दुल मनिक गुजरात से था, ये पथ प्रदर्शक था, ठीक है, पथ प्रदर्शक यानी इसी के सहयोग से यही रास्ता बताने वाला था, तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत विभाजन कब हुआ था? ए 1905, बी 1906, सी 1907 और डी 1914। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1907 में, ठीक है। इसमें सूरत विभाजन हुआ, ठीक है, सूरत विभाजन मतलब देखिए कि कांग्रेस का इसमें दो दल बट गए थे, कांग्रेस कितने दो दल में, ठीक है, एक हो गया गरम दल और दूसरा हो गया नरम दल, ठीक है। ये सूरत विभाजन की विशेषता थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 कि परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश डैश होता है। ए हो जाएगा बराबर, बी आधा, सी दुगुना और डी तीन गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बराबर होता है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण, तो हम देखते हैं जैसे एक समतल दर्पण लेते हैं, ठीक है, ये क्या है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण हो गया, ये कलई किया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसमें प्रकाश पार कर नहीं जाएगी, इधर से प्रकाश आती है और इधर टकरा के निकल जाती है, ठीक है, टकरा। और ये जो बीच में जो रेखा है इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है, क्या बोलते हैं अभिलंब। तो ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है दोस्तों। और ये हो गई परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है यही आपतन कोण कहलाता है, क्या, कौन सा कोण, आपतन कोण, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच जो कोण बनता है रिफ्लेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसमें कोण हो जाता है कि कोण आई और बराबर कोण आर, ठीक है, दोनों का मान आपस में बराबर होता है, इसका डिग्री और इसका डिग्री आपस में बराबर होता है, यही क्वेश्चन यही समीकरण हो गया और इसका आंसर इसलिए ये क्या होता है बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि CaSO4 into 2H2O क्या है, ये रासायनिक सूत्र है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, फोर होता है तो क्या बोलते हैं कॉपर, सी से सी ए से कॉपर, एसओ फोर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी जिप्सम और सी जिप्सम और डी विरंजक चूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CSO4 into 2H2, ठीक है। और देखिए ऐसे ही दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सेम है, ठीक है ना, CSO4 into हाफ H2O। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है हाफ H2O, इसमें 2H2O, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ जिप्सम का क्या हो जाता है तो 2H2O, ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, दोनों सेम ही है और कॉमन डिफरेंस है। यह हम विरंजक चूर्ण कर देते हैं CaOCl2, ठीक है, तो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। अब आइए इसके उपयोग में, जैसे किसके, तो जब सॉरी जिप्सम का उपयोग, तो जिप्सम का उपयोग होता है
स्वाद के रूप में किया जाता है। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी जिप्सम का उपयोग होता है, ठीक है दोस्तों, और सीमेंट फैक्ट्री में जिप्सम का उपयोग होता है। ये इसका कुछ मूल कॉन्सेप्ट है जिप्सम के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर रही, पहली महिला फ्लाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है, पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? ए अवनी चतुर्वेदी, बी हिना जायसवाल, और सी गुंजन सक्सेना, और डी दीपिका मिश्रा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिना जायसवाल, पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, ठीक है। और यही पहली महिला, ठीक है, फाइटर प्लेन उड़ाने वाली, ये हो जाएगी फाइटर प्लेन उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। ये जो गुंजन सक्सेना है, ठीक है, ये भी प्लेन उड़ाई थी कब, 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें इनका अहम योगदान रहा था। अभी रिसेंट में इनका एक मूवी भी आने वाला है गुंजन सक्सेना पे, तो इनका मूवी देखेंगे तो आई होप आप इनको बहुत अच्छे से आप जान जाएंगे कितना इनका कारगिल युद्ध में इनका योगदान रहा है, ठीक है, जिसको कोई भुलाया नहीं जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्टेफनाइट, स्टेफनाइट किसका अयस्क है? ए शीशा, बी सोना, सी चांदी, और डी टी। तो ये अयस्क हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चांदी का, ठीक है, चांदी का। इसका रासायनिक सूत्र, जैसे अभी हम जिप्सम का सूत्र देखे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वैसे इसका भी सूत्र इसका होता है ए। देखिए ए जी इसका क्या होता है, रासायनिक संकेत होता है चांदी का, तो इसमें किसका, तो सॉरी ए जी इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा चांदी का, और स्टेफनाइट का, स्टेफनाइट हो जाएगा ए जी 5 SbS4, ठीक है दोस्तों, स्टेफनाइट का। तो स्टेफनाइट चांदी का अयस्क हो जाता है। अब होता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? देखो देश और राजधानी ये तो आपको याद करना पड़ेगा, और आप आई होप कि आप मैप भी देखिए दोस्तों, और मैं सजेशन करूँगा यही कि आप कंटिन्यू मैप भी देखते रहिए, कम्पिटेटिव लेवल का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैप देखते रहिए, कंट्री और उसकी राजधानी, और सिचुएशन भी देखते रहिए कि भूमध्य रेखा पर है, ठीक है, कि कर्क रेखा पर है, मकर रेखा पर है, ऐसा भी देखते रहिए, ठीक है ना। तो ताजिकिस्तान की राजधानी ये है क्यू, बी दुशांबे, सी रीगा, और डी जागरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा, तो दुशांबे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कि दाचिगम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, नेशनल पार्क और ये सारे मस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, और ये पूछा हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ए हो जाता है हंगुल, बी बाघ, सी गेंडा, और डी बबर शेर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंगुल, ठीक है। संरक्षण प्रदान, देखिए बहुत सारा नेशनल पार्क है जिसमें अलग अलग, जैसे किसी में शेर को, ठीक है, किसी में गेंडा को, ऐसे करके बहुत सारे नेशनल पार्क है जिसमें इसको क्या कहता है, संरक्षण प्रदान किया है। तो ये जब भी आप नेशनल पार्क अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें विशेष संरक्षण किसको दिया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये दाचिगम नेशनल पार्क, अब ये पड़ता कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, दाचिगम कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये हंगुल मतलब होता है एक कश्मीरी हिरण है, ठीक है, कश्मीरी हिरण, ठीक है ना, उसी को हंगुल बोलते हैं। उस संरक्षण प्रदान किया गया है, और ये जो उद्यान है वो श्रीनगर से काफ़ी करीब है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो स्थापना 1981 ईस्वी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? IBRD, बी हो जाएगा UNEP, सी UNDP, और डी UNHCR। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म, ठीक है,
जैसे अभी हम सीडवी का फुल फॉर्म बताए थे उसी तरह इसका भी फुल फॉर्म है, ठीक है ना, फुल फॉर्म भी आ जाएगा। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, तो UNEP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ए अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग, बी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, सी अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, और डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, ध्वनि तरंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में हेपेटाइटिस रोग का कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये बीमारी है। तो इसका एक लक्ष्य रखा गया है भारत में कि इस लक्ष्य तक, यानी इतने दिन तक, इतने सालों तक हम इसको इंडिया से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जैसे पोलियो का ड्रॉप जो दिया था उसका भी लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना, उसी तरह हेपेटाइटिस का भी लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 में, ठीक है, 30 लक्ष्य रखा गया है कि इस लक्ष्य तक हम पूरी तरह से हेपेटाइटिस रोग से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि एक भी पेशेंट इंडिया में नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शेर, शेर, घास और हिरण। फिर हो जाएगा बी शेर, हिरण, घास। सी हो जाएगा आपका हिरण, घास, शेर, और डी घास, हिरण, शेर। नहीं, खाद्य श्रृंखला मतलब ये होता है कि एक दूसरे, जैसे एक दो तीन, तीन है ना, देखिए इसके कारण मतलब कि इसको दूसरे नंबर का व्यक्ति दूसरे नंबर का चीज़ खाता है और दूसरे नंबर को तीसरे नंबर का चीज़ खाता है, ठीक है। तो ये जानवर हो सकता है, आदमी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, लेकिन पहला दूसरे को खाता है और दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा चौथे, तीसरे को चौथा खाएगा, ऐसे ये चलता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला। तो इसी में हम ऑप्शन चूज करेंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए घास, और घास को खाता है हिरण, और हिरण को कौन मारता है? शेर। तो ये क्रम बन गया ना, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे शेर और घास, शेर घास को भी नहीं खाता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। शेर हिरण, यानी कि हिरण शेर का शिकार करता है, कभी नहीं करता है, ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हिरण, फिर क्या हो जाएगा, घास, यानी घास हिरण खाएगा, नहीं, ये भी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सुल्तान अजमल और सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन और डी हॉकी। तो सुल्तान अजलान शाह कप का जो संबंध है वह है ऑप्शन किसे, ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से, ठीक है, हॉकी। तो ये प्रतियोगिता होती है मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में, और मलेशिया में कहाँ, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित की जाती है, ठीक है। तो एक इसे भी आंसर हो जाता है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया में कहाँ आयोजित की जाती है, तो कुआलालंपुर, कुआलालंपुर मलेशिया की क्या है, राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन अलग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, महावीर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 540 ईसा पूर्व, बी 561 ईसा पूर्व, सी 569 ईसा पूर्व और डी 570 ईसा पूर्व। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म हुआ था, ठीक। महावीर, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में, ठीक है, महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व। ये जैन धर्म से संबंधित है, किस धर्म से, तो जैन धर्म, और जैन धर्म के ये 24वें गुरु थे, ठीक है, 24वें तीर्थकर, कौन से नंबर के थे, तो 24 नंबर के तीर्थकर थे, ठीक है दोस्तों। तो अब ये कुंडग्राम, देखिए ये कुंडग्राम होता है, तो कुंडग्राम कहाँ है, तो कुंडग्राम आपका है वैशाली, ठीक है, और वैशाली कहाँ, तो बिहार, और वैशाली कहाँ है, तो
दोस्तों बिहार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जांस्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? ठीक है, हिमालय जो कि क्या होकर भाग में विभाजित है उसी में से है किस भाग, ठीक है भाग बताना है। तो ए है ट्रांस हिमालय, बी महान हिमालय, सी लघु हिमालय और डी उप हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांस्कर श्रेणी किस हिमालय का है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। और ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय क्षेत्र, देखिए ये ट्रांस हिमालय को कौन से कहते हैं, तिब्बत, तिब्बत हिमालय क्षेत्र, तिब्बत हिमालय क्षेत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, यह महान हिमालय के कहाँ है, उत्तर में पड़ता है, ये जो महान हिमालय है उसके जस्ट उत्तर में पड़ता है। तो ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय तो जांस्कर श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए भरत मुनि, बी वशिष्ठ, सी परशुराम, डी विश्वामित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वामित्र। ये ऋग्वेद के, ठीक है ये ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल, कौन सा तीसरे मंडल, तीसरे मंडल में इस मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद का। क्वेश्चन नंबर 28, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, बी जॉन डाल्टन, सी मैक्स प्लैंक और डी जे जे थॉमसन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लैंक, क्वांटम सिद्धांत का। तो 1900 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत आधुनिक भौतिकी का सिद्धांत का आधार है जो परमाणु और उप परमाणु स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और व्यवहार की व्याख्या करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या है, यानी प्रभावी, जो प्रभावी है उसको बताना है कितनी है। ये हो जाएगा 235, बी 238, सी 245 और डी 250। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर और सी, 245 है राज्यसभा में सीटों की संख्या और अधिकतम संख्या, ये तो प्रभावी, अगर कहता कि अधिकतम, अधिकतम संख्या कितनी है तो ये अधिकतम संख्या है 250। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ए है जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी और डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 31, 31 है नहाव सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है तो महाराष्ट्र में। तो देखिए इसको भी बना, इसका भी बनाने का एक उद्देश्य है कि मुंबई बंदरगाह, ठीक है मुंबई बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। और इस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इसी नहाव सेवा बंदरगाह को, कौन सा तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? ए धन विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी वित्त आयोग और डी नीति आयोग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117। ये हो जाएगा आपका तो धन विधेयक, देखिए इसका, इसके बारे में दिया अनुच्छेद 110। ठीक है, धन विधेयक जो बजट पास होता है संसद से, तो भारतीय संविधान में कहीं भी
बजट के बारे में नहीं दिया गया है, यही था विधेयक के बारे में दिया गया है और 110 ही उसको हम लेकर चलते हैं कि धन विधेयक ही बजट है, ठीक है। और वित्त आयोग देखिए इसका अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 280, 280 में अनुच्छेद दिया गया है। और देखिए ये नीति आयोग, तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर आया है जो संवैधानिक नहीं है, ठीक है, ये संवैधानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? ए कलकत्ता अधिवेशन 1928, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी कराची अधिवेशन 1931, डी दिल्ली अधिवेशन 1932। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929। और इसकी अध्यक्षता, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, यानी कि अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस समय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, पाक जल डबरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत मालदीव, सी भारत श्रीलंका और डी जापान कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका, ठीक है। ये यहाँ जैसे भारत का ये हो गया आपका नीचे का पार्ट, ठीक है, भारत का ये नीचे का पार्ट और यहीं पे है श्रीलंका, ठीक है। देखिए यहाँ से और यहाँ ये जो है ना बीच जल डबरू मध्य, इसी को बोलते हैं जल डबरू मध्य, और यही है पाक स्थित या पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि, पाक स्थित या पाक जल डबरू मध्य, ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ होंगे आयो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी झारखंड और डी उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरते हैं, 8 राज्यों से, ये 8 राज्य हैं और लाइन से हम इधर से देखते चलते हैं, ठीक है, ऐसे इंडिया का तैसे, तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, ठीक है, बीच में मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर जो पड़ जाता है दो, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, तो कुल मिलकर कितना हो जाता है 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध नहीं है, ठीक है, लैंड लॉग नहीं है? ए नाइजर, बी गैबन, सी दक्षिण सूडान और डी बोत्सवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैबन। देखिए लैंड लॉग स्थल रुद्ध करने का मतलब ये होता है कि इसमें कहीं से भी ये जो नाइजर कंट्री है वो समुद्र से नहीं टच है, ठीक है ना, और गैबन क्या है कि समुद्र को टच करता है, समुद्र के किनारे, जैसे इंडिया, इंडिया लैंड लॉग नहीं है क्योंकि यहाँ इसके निचले पोर्शन में हिंद महासागर है, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, इसी को बोलते हैं लैंड लॉग, यानी कि जो किसी भी ओर से अपने देश की जो सीमा है वह किसी भी ओर से किसी भी समुद्री भाग को चुती ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया होती है किसका परत चढ़ाया जाता है? तो ए पारा, बी सीसा, बी जस्ता और सी जस्ता और डी टीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता का। इस प्रक्रिया में लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहा में जंग न लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी साइटोकाइनिन और डी एब्सिसिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये जो ऑक्सीन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये वृद्धि हार्मोन है, यानी पौधों में पौधों क्या करता है, वृद्धि करता है, और एब्सिसिक वृद्धि रोधी हार्मोन है, यानी इससे और इस हार्मोन से पौधों में
वृद्धि नहीं होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ए मैसूर, बी श्रीरंगपट्टनम, बी विशाखापट्टनम और सी मछलीपट्टनम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं हम कि टीपू और अंग्रेजों के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम ये इसी की संधि हुई थी और संधि के अनुसार टीपू को अपना आधार तथा 3 करोड़ रुपए आधार राज्य ठीक है प्लस 3 करोड़ रुपए ये जो युद्ध की क्षतिपूर्ति हुई थी उसी में इसको दे रहा था, ठीक है। और साथ ही जब तक भुगतान न हो जाता है, यानी 3 करोड़ तक भुगतान न हो जाता तब तक टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्रों को लॉर्ड कॉर्नवालिस की शिविर में रखा गया, बंधक के रूप में रखा गया था, ठीक है। तो इस ये हो गई आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी कि टीपू सुल्तान की राजधानी आएगा तो श्रीरंगपट्टनम, ठीक है दोस्तों। तो ये मोटर सेट 3 खत्म हुआ। आई होप आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सके। और मैं नेक्स्ट ईयर ही मोटर सेट 4 जल्द ही लेकर आ रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर में बहुत सारे एग्जाम UPSC होने वाले हैं, UPSC होने वाले हैं, बिहार दरोगा है, ठीक है। SSC है, ये सब को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी जल्दी मॉडल सेट कराऊंगा। ये मॉडल सेट में 3 और मॉडल सेट में यार नेक्स्ट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कुछ अगला सेट मॉडल सेट पड़े आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।